नमस्कार दोस्तों, मोटोरोला ने अपना एक नया फ़ोन जो कि है मोटो G62 इस स्मार्टफोन को इंडिया में फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर लॉन्च कर दिया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे और जानेंगे फुल डिटेल्स के साथ, बिकॉज सिमिलर स्पेसिफिकेशन के साथ मोटोरोला ने इससे पहले भी एक फ़ोन को लॉन्च कर चुका है जहाँ पर आपको देखने को मिलता है एमोलेड डिस्प्ले और प्राइसिंग भी इससे कम है। तो आज के इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे और जानेंगे यहाँ पर जो मोटो G62 है इसे बाय करना चाहिए फिर नहीं, या फिर इससे बेहतर भी ऑप्शन है या फिर नहीं इसके बारे में। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरे इंडस्ट्री तभी आपको समझ में आने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो मोटो G62 है ये फ़ोन देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हालांकि प्रीवियस मोटोरोला के फ़ोन के जैसा ही है आप यहाँ पर देख पा रहे हो। मैं सबसे पहले काफ़ी कम समय में कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। देखिए इस फोन में आपको देखने को मिलता है 6.5 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले और इस डिस्प्ले में दिया गया है 120Hz का रिफ्रेश रेट। अगर हम प्रोसेसर की बात करते हैं, यहाँ पर जो मोटो G62 है इसमें आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 695 जो कि एक 5G प्रोसेसर है और इसके अंदर 5G के बैंड भी काफ़ी अच्छा खासा दिया गया है। अगर हम बात करें कैमरा सेटअप के बारे में, तो यहाँ पर जो मोटो G62 है इसमें आपको देखने को मिलता है पीछे की तरफ से AI ट्रिपल कैमरा, जहाँ पर 50MP का मेन कैमरा है, उसके बाद 8MP का अल्ट्रा वाइड है और 2MP का माइक्रो कैमरा दिया गया है, और फ्रंट में दिया गया 16MP का सेल्फी कैमरा जो कि आता है सेंटर पंच होल के साथ, आप यहाँ पर देख पा रहे। और इस फोन में दिया गया है 5000mAh की बैटरी जो कि आता है 30W चार्ज सपोर्ट के साथ। लेकिन सबसे पहले आपने जो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन जाना, सिमिलर स्पेसिफिकेशन के साथ अदर कंपनी ने भी स्मार्टफोन को लॉन्च कर रखा है, यहाँ तक कि मोटोरोला ने भी अपने एक फ़ोन को लॉन्च कर रखा है जो कि है मोटो G71 और उस फोन का प्राइसिंग भी काफ़ी कम है और वहाँ पर देखने को मिलता है एमोलेड डिस्प्ले। लेकिन बस प्रॉब्लम यह है कि एमोलेड के साथ आपको कोई भी रिफ्रेश रेट नहीं दिया गया है और इस फोन का प्राइसिंग भी काफ़ी कम है, मतलब मोटो G62 है इससे कहीं कम है और देखने को मिलता है एमोलेड डिस्प्ले। अगर हम मोटो G62 के प्राइसिंग के बारे में बात कर ले, इसका पहला ब्रांड है जो कि 6128 का और इसका प्राइसिंग रखा गया है 18,000 रुपये। डिस्काउंट मिलता है आपको 1500 रुपये का HDFC बैंक के कार्ड से, जिसको ऐड करने के बाद आप इस फोन को 16,500 रुपये में बाय कर सकते हो। तो 16,500 रुपये में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा हो जाता है, बिकॉज अदर कंपनी ने भी ऐसा स्पेसिफिकेशन आपको प्रोवाइड करा रखा है, लेकिन वो सब फोन आपको 16,500 रुपये में देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो Realme 9 Pro हो गया या फिर Redmi Note 11 Pro Plus हो गया, ये सब फोन भी आता है स्नैपड्रैगन के 695 के साथ, लेकिन ये सब फोन थोड़ा सा महंगा है और मोटो G62 है ये थोड़ा सा सस्ता है। ये फ़ोन डिस्काउंट करने के बाद आपको देने को मिलता है 16,500 रुपये में। और जो 8128 का ब्रांड है इसका प्राइसिंग है 20,000, आप यहाँ पर देख पा रहे। और दोनों ब्रांड पर आपको मिलता है HDFC बैंक के कार्ड से 1500 रुपये का डिस्काउंट। अब चलिए हम बात करते हैं कि आपको ये फ़ोन बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मोटो ने इससे पहले भी एक फ़ोन को लॉन्च कर चुका है जो कि है मोटो G71। इस फोन को भी फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर ही लॉन्च किया है और इस फोन का जो बेस ब्रांड है 6128 का, ये फ़ोन डिस्काउंट करने के बाद आपको देने को मिलता है 14,399 रुपये में, आप यहाँ पर देख पा रहे। डिस्काउंट कुछ इस तरीके से अभी के समय में है। ये फ़ोन भी काफ़ी अच्छा है और मोटोरोला का जो फ़ोन होता है उसका बेजल थोड़ा सा बड़ा होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे, और थोड़ा सा ओल्ड डिज़ाइन का लगता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे ये थोड़ा सा ओल्ड डिज़ाइन का लगता है। और अभी जो लॉन्च हुआ है मोटो G62 और इससे पहले जो लॉन्च हो चुका है मोटो G71, दोनों में अगर आप देखेगा तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर डिस्प्ले को लेकर थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी चीज़ें आपको सिमिलर ही देखने को मिलता है। लेकिन 14 से लेकर 16,000 रुपये के अप्रॉक्स में अगर आपको 5G फ़ोन चाहिए तो आप इन सारे फ़ोन को बाय कर सकते हो, बिकॉज इसके अंदर आपको देखने को मिलता है स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस। हालांकि जो स्नैपड्रैगन का 695 है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, मतलब आप यहाँ पर 4K में रिकॉर्डिंग नहीं करवाओगे और काफ़ी ज़्यादा हीट भी करता है। तो आपको 5G फ़ोन चाहिए तो आप मोटो G71 या फिर मोटो G62 वगैरह को बाय कर सकते हो। ये सब फोन 5G के पर्पज से काफ़ी सही है और स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी ठीक ठाक है, प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। प्राइसिंग के हिसाब से इस फोन में आपको स्पेसिफिकेशन काफ़ी ठीक ठाक मिलता है। वैसे यहाँ पर जो मोटो G62 है इसका पहला सेल आने वाला है 19 अगस्त को। तो बस आज की वीडियो में बताना था, उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट करके धन्यवाद।